गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू नेट क्रैकेट चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से, जहाँ पे PhD एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। साथ ही साथ में यहाँ पे एक स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाएगी, सभी को ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल सके। मैं डेली लेसन लेके आती हूँ, डेली अपलोड वीडियोज अपलोड आते हैं, तो आपको डेली यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी ग्रैब करने की। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे PhD एडमिशन्स आपके स्टार्ट हो चुके हैं। इस चैनल पे आपको 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, और साथ ही साथ में मैं वैलिडेट करती हूँ कि आप जेन्युइन करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से, जहाँ से वेरिफिकेशन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। सबसे पहला नाम है इस कैटेगरी में आता है BIT मेसरा। यहाँ पे जो ऑनलाइन डेट है, लास्ट डेट है, वो 10th of June है। उसके अलावा यहाँ पे जो PA पेरी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे 15 मई लास्ट डेट है। सिम्बोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पुणे में सिचुएटेड है, यहाँ से भी PhD एडमिशन स्टार्ट कर दिए गए हैं, तो यहाँ पे भी आप एडमिशन ले सकते हैं। लास्ट डेट जो है वो 24 मई है। फिर बात कर लेते हैं गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि मैनेजमेंट, जो कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, टॉप लीडिंग प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। यहाँ से भी PhD नोटिफिकेशन स्टार्ट कर दिए गए हैं, और उसकी लास्ट डेट है 24th of May। उसके बाद अगर हम बात करेंगे शिव नागर यूनिवर्सिटी, ये ग्रेटर नोएडा का कॉलेज है, और यहाँ पे भी लास्ट डेट है 20 मई, 14 जून। बहुत सारे यहाँ पे कोर्सेज हैं, और यहाँ पे फेलोशिप भी प्रोवाइड की जा रही है, लगभग 55,000 रुपीज़ पर मंथ। मेरा इसका एक पर्टिकुलर वीडियो भी है, वहाँ भी जाके आप देख सकते हो। मैंने जितने भी यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके एक सेपरेट वीडियोज़ भी बनाए हैं कम्प्लीट डिटेल्स के साथ में, तो आप यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके आप इस वीडियोज़ को देख सकते हो, और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। उसके बाद है वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है, यहाँ से भी PhD एडमिशन स्टार्ट कर दिए गए हैं, जिसकी की लास्ट डेट 14 मई। और थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पटियाला में जालंधर, ये पंजाब में कॉलेज है, यहाँ पे जो फेलोशिप प्रोवाइड की जाएगी वो भी आपको नियर अबाउट 40+ मिलेगी, तो यहाँ से भी PhD एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, 30 जून इसकी लास्ट डेट है। उसके बाद जिसमें लेस्ट कैटेगरी में कॉलेज आता है वो आता है मणिपाल अकेडमिक ऑफ हायर एजुकेशन, यहाँ से भी PhD नोटिफिकेशन स्टार्ट कर दिए गए। तो अगर आप यहाँ पे PhD एडमिशन लेते हो तो आपको डिफरेंट फेलोशिप्स मिलेंगी, और साथ ही साथ में आपको एक टीचिंग एसोसिएट का भी पोस्ट मिलेगा, जिसके थ्रू आपको 8 आवर्स पर वीक टीचिंग करनी होगी, साथ ही साथ आपको PhD भी करनी मिलेगी, तो डबल फायदे हैं यहाँ पे। 15 मई इसकी लास्ट डेट है, तो यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी को एक्सप्लोर कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं थोड़ा डिटेल में, तो BIT मेसरा से ऑनलाइन PhD एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। यहाँ पे भी आपकी लास्ट डेट 17 जून है ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट की, और 10 जून है लास्ट डेट। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज हो सकती है एक प्राइवेट कॉलेज, जो कि एक वेल रेपुटेटेड कॉलेजेस हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नेस्ट कॉलेज में, तो यहाँ पे आपको कोर्स वर्क और जो सुपरविजन प्रोवाइड किया जाएगा वो आपका मणिपाल कैंपस के थ्रू किया जाएगा, और जो PhD डिग्री अवार्ड होगी वो होगी मणिपाल अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन के थ्रू। तो यहाँ पे एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है, रिसर्च ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट है, और एक यहाँ पे खुद का रिसर्च सेंटर भी है, तो इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज ऑफ ऑल यू गाइज। एंड उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं सिम्बोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, तो एक ये इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे भी आपके PhD स्टार्ट हो चुकी है एडमिशन के लिए। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 10 जुलाई को क्लोज होगा, डेट एक्सटेंड कर दी गई है कोविड की वजह से, और उसे जो ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट प्रोवाइड होगा वो आपका 25 जुलाई तक हो जाएगा, ऐसा ये कहते हैं अपनी वेबसाइट्स के थ्रू। एंड द फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो आपका 4th of May में होगा, तो अगर आप यहाँ पे लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट मैंने बता दिया है ये गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, एंड इसमें डिफरेंट फुल टाइम और पार्ट टाइम PhD प्रोग्राम्स के लिए स्टार्ट कर दिए गए हैं, एडमिशन नोटिफिकेशन आ चुके हैं। साथ ही साथ में अगर हम बात करें इसके कैंपसेस जो हैं वो विशाखापट्टनम, हैदराबाद और बेंगलुरु में है, तो आप यहाँ तीनों कैंपसेस के लिए जो भी आपको नियर बाय इंस्टीट्यूट हो तो आप यहाँ पे एडमिशन्स ले सकते हैं। मेरे काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स जो हैं उन्होंने कमेंट करके बोला था मैम बेंगलोर के लिए कोई PhD एडमिशन बताइए, तो आप यहाँ पे इस वीडियो को जो आई बटन पे है उसको क्लिक करके आप देख सकते हो। इसकी पर्टिकुलर वीडियो मैंने बना रखी है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाके भी चेक कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है सबमिशन वो है 24 मई।
देन अगर हम बात कर लें शिव नादर यूनिवर्सिटीज की, तो यहाँ पे पीएचडी एडमिशंस अगस्त के लिए स्टार्ट हो चुके हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, यहाँ पे लगभग लगभग 50,000 प्लस आपको फेलोशिप प्रोवाइड किया जाए ड्यूरिंग योर पीएचडी, एंड 100% ट्यूशन फीस यहाँ पे नहीं ली जाएगी, जो कि मेरिट लिस्ट में आते हैं कैंडिडेट्स। उसके बाद जो है 70% हॉस्टल फीस में भी यहाँ पे छूट मिल रही है। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती है। अगर आप दिल्ली और नोएडा से बिलोंग करते हो तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत सही हो सकती है। देन यहाँ पे जो ऑनलाइन जो टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा और इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा वो 2 से 4 जुलाई के बीच में किया जाएगा। तो यहाँ पे भी आप यहाँ पे देख सकते हो एडमिशंस। ओके, देन उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, अब हम आगे चलते हैं, तो यहाँ पे नेक्स्ट है, जैसा कि मैंने बताया, वैल्यूर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है, गवर्नमेंट इंडिया द्वारा इसको रिकॉग्नाइज किया गया है प्राइवेट कैटेगरी में, और इसके जो नोटिफिकेशंस है वो आ चुके हैं। एडमिशन जो होगा वो जुलाई 2021 सेशन के लिए स्टार्ट किया जाएगा, जो कि फुल टाइम, सिर्फ फुल टाइम कैटेगरीज जो है ऑफर किए गए, यहाँ कोई भी पार्ट टाइम वैकेंसीज नहीं है पीएचडी एडमिशन के लिए। 14 मई आपकी लास्ट डेट है, एंड जितने भी अपलोडिंग सर्टिफिकेट्स आपको अपलोड करने होंगे इवन योर पीजी एंड यूजी लेवल के, ये फिर आप 14 मई तक ही कर दें, ठीक है। तो ये लास्ट डेट है। देन उसके बाद मणिपाल की मैंने बता दिया, एक अलग से इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे भी लास्ट डेट जो है वो 15 मई है, और इसका अपना खुद का एक रिसर्च सेंटर है, यहाँ पे भी एडमिशन्स निकाले जा चुके हैं। देन थापर यूनिवर्सिटी पे भी एक मेरा पर्टिकुलर वीडियो पड़ा हुआ, अगर आपको डिटेल में वीडियो देखनी है तो आप वहाँ जाके पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे थापर यूनिवर्सिटी जो है पटियाला से है, पंजाब से स्टूडेंट्स जो अप्लाई करना चाह रहे हैं वो इस इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक रिसर्च ओरिएंटेड कॉलेज है ये, और यहाँ की जो फीस है वो आपकी है 1500 रुपये, जो कि नॉन रिफंडेबल है। यहाँ पे 30 जून को ऑनलाइन एप्लीकेशंस एंड्स हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे फेलोशिप की बात करें तो फेलोशिप भी आपको 40 प्लस मिलेगी। देन ये था लास्ट इंस्टीट्यूट। अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, हैव अ नाइस डे। Till then, bye-bye.